Hey girls, याद है ना कल फ्राइडे है? अभी से डिसाइड कर लो कौन से डिस्क में जाना है कल. डोडो डिस्क चले? डोडो डिस्क प्लीज. हाँ, वहाँ का डीजे बिल्कुल डोडो जैसा ही है. अरे नीना, तो चुप क्यों है? नहीं यार, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू जॉइन यू. लेकिन क्यों? वो क्या है ना, डैड जाने नहीं देंगे. एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम तो जानते हो कितने स्ट्रिक्ट हैं. अरे लारा, ये तो कहाँ ले जा रही है यार? ओह, लगता है मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया. लारा, अब क्या होगा? डोंट वरी, कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकल ही जाएगा ना. लारा, क्या हुआ? लारा, ये तो अपनी तरफ आ रहा है. लारा, लारा, ओह माय गॉड, लारा चलो ना. लारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. ओह माय गॉड, चलो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. लारा, कम ऑन, लेट्स गो. लारा, लेट्स गो. लारा, खिड़की बंद कर लो. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. ये देखो क्या देखा गया मुझे. नाइटमेयर डिस्को, तीन रातों के लिए पब्लिक के लिए फ्री. एग्जैक्टली. ओ गॉड, ये तो एक एड है. क्या स्टाइल है देखा है. नाइटमेयर डिस्को, ये तो सिर्फ मेंबर्स के लिए है. लेकिन तीन रातों के लिए पब्लिक के लिए खुला है और एंट्री बिल्कुल फ्री. होया, अगर ये डिस्को इतना अच्छा है तो इसकी एंट्री फ्री क्यों है? अरे भाई, नए मेंबर्स बनाने के लिए. मुझे लगता है कि थीम डिस्को है. थीम डिस्को? अरे वही, किसी डिस्को में ब्लैक एंड व्हाइट पहनते हैं, किसी में कुछ और पहनते हैं, उस तरह का थीम डिस्को. लेकिन ये डिस्को में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं. हाँ, कुछ नहीं मतलब? मेरा मतलब है कि ये डिस्को में जाने के बाद बड़ा मजा आएगा. लेकिन नाम से लगता है कि ये सब कुछ बहुत डरावना. क्या हो रहा है यहाँ? मेरे ख्याल से इस वक्त तुम लोगों को क्लास में होना चाहिए था. क्यों, या कि तुम लोग कॉलेज छोड़ चुके? नहीं सर, वो हम लोग. ये क्या सर? वो हम लोग सॉरी क्लास में जा रहे थे सर. चलो जाओ, जल्दी करो, हरे आप. जी सर. I'm so sorry. नहीं, it's all right. I'm really sorry, huh? I'm really sorry, huh? आज रात ना हम सब नाइटमेयर डिस्को जा रहे हैं. नाइटमेयर डिस्को? तुम जानते हो उसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कुछ. तुम चलोगे हमारे साथ? सॉरी, दरअसल आज रात में मुझे कुछ काम है,
मैं मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता। नहीं नीना, ऐसी बात नहीं है। तू तो जानती है ना कि उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो कहीं नहीं जाता। मुझे लगता है वो कॉलेज के बाद कोई काम करता होगा। चल एक्सक्यूज मी, ये जीतू की बुक है ना? भैया नाइटमेयर डिस्को का पैम्फलेट। लेकिन वो तो कह रहा था उसको इस डिस्को के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है सेलिब्रेशन डिस्को से यहाँ क्राउड ज्यादा अच्छा होगा। I'm sure. Let's see, let's see. Okay. Let's go. Finally. Yeah, boy. Woo. ये डिस्को कितनी सुनसान जगह पर खोला है। जो भी है, मुझे तो अभी से अच्छा लग रहा है। अरे 029149, ये तो जीतू की बाइक है। हाँ? उसने तेरी बात मान ली, तेरे लिए डिस्को भी आ गया। चले 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 चले। देखो देखो, मैंने कहा था ना यहाँ सब कुछ डरावना डरावना सा होगा। सब मास्क की आंखें कैसे ग्लो हो रही है ना। नाइटमेयर डिस्को आपका स्वागत करता है। यहाँ आना आसान है, यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल। आइए। अभी नहीं, बाद में, अभी पूरी रात बाकी है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने जीतू को देखा है? जीतू कहाँ गया ये? जीतू, ओ आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये कैसे किया इसने? अजीब जगह है। Excuse me, can I have a dance with you? Sure, why not? Excuse me, looking for me? तुम तो अभी ऊपर थे ना, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिलिंद। हाय, आई एम रितु। तुम किसी कॉलेज में पढ़ते हो? नहीं। अच्छा, तो कहीं काम करते हो? नहीं। तुम पढ़ते नहीं हो,
कहीं काम नहीं करते तो फिर करते क्या हो? कुछ नहीं। हाँ, लगता है तुम किसी रईस खानदान से हो, इसलिए तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं। मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं। जो भी है, तुम डांस अच्छा कर लेते हो। नीना तो डांस क्यों नहीं कर रही है? देखना मुझे कितना अच्छा पार्टनर मिल गया। लारा सॉरी, एकदम से ऊपर मत देखना, पर लेकिन वो मम्मी क्या मेरी तरफ देख रहा है? हाँ, लेकिन कौन है? पता नहीं, कहीं जीतू तो नहीं है ना? इतनी सारी पट्टियों में ना पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है लारा वो जीतू ही है। तुम कह रही थी ना कॉलेज के बाद वो काम करता है, कहीं यहाँ मामी बनकर वेटर का काम तो नहीं कर रहा? पता नहीं यार, तुम खुद ही जाके मम्मी से क्यों नहीं पूछ लेती? प्लीज मुझे डांस करने दो। लारा हाय। एक मिनट, घर से फोन है, एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो, कौन? ओ पापा। हाँ पापा, कम ऑन पापा, कहाँ देरी हुई है? अभी तो सिर्फ पापा, अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं, कम ऑन। हाँ, व्हाट, 12 बज गए? ओह नो पापा, सॉरी पापा, मेरी मेरी घड़ी रुक गई है। आई लीव राइट नाउ, प्रॉमिस, लव यू पापा। एग्जैक्टली अजीब बात है यार, हम सबकी घड़ियां एक साथ कैसे रुक सकती हैं? जब वक्त ही थम गया हो तो घड़ियां कैसे चलेंगी? एनीवेज चलो चलते हैं, चलो चलो। ओह या, ओह माय गॉड पापा, मेरे लिए मिलन, मुझे चलना होगा, बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ कल आने वाली हूँ, तुम आओगे? मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, हमेशा। अब और कोई जगह भी तो बाकी नहीं रह गई है। कम ऑन रितु। ओके बाय मिलन, बाय, चलो, सी यू टुमारो। अरे करण, अनीता, चलो। ओके ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, चलो चलो चलो। पांच आए थे, तीन चले गए, दो रह गए। अच्छी जगह है, बहुत मजा आया। कल फिर आएंगे, ओके? जगह अच्छी है और इतना मजा आया तो जा क्यों रहे हो? मेंबर क्यों नहीं बन जाते हो? चलो भागो यहाँ से। चलो भागो। अनीता, वो नहीं आई है सर। करण, एब्सेंट सर। आप लोग भी कमाल हैं, एग्जाम सर पे हैं और आप लोग क्लासेस बंक कर रहे हैं। कुलदीप, सर मैं कम इन? ओह यस, प्लीज कम इन। आप अगर नहीं आते तो शायद ये क्लासेस शुरू नहीं होती। वैसे मिस्टर जीतू,
आपने अपना ये हुलिया क्या बना रखा है? सर मैं दरअसल सर रात भर सोया नहीं। अच्छा, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कर क्या रहे थे सारी रात? मैं सर पढ़ रहा था सर। ओहो, पढ़ रहे थे? सिट डाउन। कहीं जीतू ही तो वो मम्मी नहीं है? हाँ, जीतू ही वो मम्मी है। मैंने थोड़े नोट्स मिस कर लिए यार। ओह माय गॉड, हाउ सैड। लोगों के पास मैं ज़ेरॉक्स करा लूँगी, ओके? कितनी स्टूडियस है ना? हम क्या कर रहे हैं? आई एम श्योर जीतू उस क्लब में काम कर रहा है। ओह गॉड, क्लब से याद आ गया। पता है मैंने पेपर में क्या पढ़ा? क्या? तू जिस लड़के के साथ डांस करी थी ना? हाँ। क्या ये लड़का वही है? हाँ, ये तो मिलिंद की फोटो है। डियर मिलिंद, प्लीज कम होम, डैडी इज सीरियस। माँ, बिट्टू, पायल, दादी, ये पिछले एक हफ्ते से गायब है। ये कैसे हो सकता है? कल रात ही तो हम नाइटमेयर डिस्को में डांस कर रहे थे और यहाँ उसकी पूरी फैमिली परेशान है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। हम आज रात जा रहे हैं ना वहाँ, तभी उसके साथ बात करती हूँ। नाइटमेयर डिस्को आपका स्वागत करता है। कल रात तुम तीनों वापस चले गए थे, पर आज रात अंदर जाना आसान होगा, अंदर से वापस बाहर जाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, देखेंगे। वो कहाँ है? मिलिंद, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरा ये देखो, ये तुम्हारी फोटो है ना? ये तुम ही हो ना? मिलिंद, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तुम यहां सारी रात ऐश करते हो और वहां तुम्हारी फैमिली परेशान है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अब इसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है? अब कुछ नहीं हो सकता। कॉलेज क्यों नहीं आया आज? ये क्या कपड़े भी वही पहन रखे, हॉस्टल नहीं गए क्या? क्या हुआ अनीता, रो क्यों रही है? करण, ये रो क्यों रही है? तुम नहीं समझोगी। नहीं समझोगी मतलब? और जब तक समझोगी बहुत देर हो चुकी होगी। आज वो मास्क वाला लड़का कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुम जीतू हो ना? मैं जानती हूं तुम जीतू हो। जीतू, तुम? मैं तो डरी गई थी। ओह माय गॉड, बहुत खून निकल रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये खून, ये बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम क्या चाहोगे? तुम आ गए, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नहीं 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 नहीं
दिखाई दे रही। तुम दोनों कौन हो? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? तुम जानना चाहती हो इस मुखौटे के पीछे क्या है? अभी पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं। मिलिंद, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे वहां तुम्हारे घर वालों ने पेपर में ऐड तक दिया है तुम्हें वापस बुलाने के लिए। तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसा लड़का मेरा दोस्त कभी बन ही नहीं सकता। रितु, 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 गुस्से में क्यों? क्या देखो ना इस गैरेज। अरे लारा कहाँ है? ओ पता नहीं, दिखी नहीं गई है ना ऐसे। शायद वो रेस्टरूम में होगी, है ना? नहीं, मैं अभी उसे देखकर आती हूँ। रिलैक्स। लारा, बाथरूम में देखे, किसी ने उसके उसको मारकर बाथरूम में फेंक दिया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गई। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो मजाक नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं सच में मर गई? मगर बाथरूम में वो लाश बिल्कुल असली लग रही थी नीना, बिल्कुल असली। कहा ना, मैं मजाक कर रही थी। Forget it, it's okay now. No, I cannot forget it. लाला, वो मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं था, okay? It was not right. मैं जा रही हूँ। हाँ लाला, मूड खराब हो गया, let's go, चलो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है, गाड़ी की चाबी दो अभी। लेट्स गो नीना, बाय। जीतू, तुम नाइटमेयर डिस्को कभी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं। कल रात को भी नहीं? नहीं। ये बैंडेज तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? वो मुझे हाथ पे चोट आई थी, उस पे मैंने बांधी थी। नीना, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। तुझे पता है कि लारा कहाँ है? आज लेक्चर में नहीं आई वो। महारानी घर पर आराम से सो रही होगी। पता नहीं कल रात घर कितने बजे पहुंची वो। घर पर सो रही होगी, मगर वो घर कैसे गई? उसकी गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, और ये गाड़ी की चाबी मैं उसे तब तक नहीं लौटाऊंगी जब तक वो मुझसे ठीक से माफी नहीं मांगे। अच्छा सुन, कॉलेज के बाद तो मेरे साथ चलेगी? कहाँ? मिलिंद के घर। ये देखा, देखो
मिलिंद को जो करना है उसे करने दो, पर मैं उसके घर वालों को बता देना चाहती हूँ कि मिलिंद बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कुछ नहीं हुआ। जी, मिलिंद का घर यही है? जी हाँ, बस मिलिंद की लाश लेकर जाने ही वाले हैं। लाश? लाश आज सुबह अक्सर बीच पे मिली थी, इतनी सड़ गई थी कि पहचानना मुश्किल हो गया था। ये तो कपड़े और पर्स से पता चला कि ये मिलिंद है। ये कैसे हो सकता है? अभी 5 दिन पहले, कल रात ही तो हम डिस्को में मिले थे। ऋतु, ये किसी और की लाश होगी। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। मैं अभी अभी उसके घर वालों को सब कुछ बता देती। नहीं नहीं नहीं, नहीं तू, ऐसे समय में हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा। ऋतु ऋतु, आज हम रात डिस्को जा ही रहे ना, वहीं मिलन से बात करेंगे। ओके, उसे खुद आकर यहाँ साबित करना होगा कि वो जिंदा है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिलिंद ऐसा कर क्यों रहा है। अच्छा बता, आज रात को कितने बजे चलना है? मुझे थोड़ा काम है। तुम चली जाना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। ओके, नाइटमेयर डिस्को में आपका स्वागत है। बाहरी लोगों के लिए सिर्फ आखिरी बार है आज, कल से केवल मेंबरों के लिए होगा। आज से तुम भी मेंबर बन जाओगी। जीतू, तुम नाइटमेयर डिस्को जा रहे हो ना? नहीं। झूठ मत बोलो, तुम वहां काम करते हो ना? हाँ, मैं नाइटमेयर डिस्को में काम करता था, मगर अब नहीं। क्यों, क्या हुआ? दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे वहां बड़ा अजीब सा लग रहा है। वहां के लोग भी बड़े अजीब से हैं, मुझे वहां बहुत डर लगता है। वहां कुछ गड़बड़ है, पता है? आज मुझे वहां पैसे लेने जाना था, मगर मैं नहीं जा रहा हूं। अरे भाड़ में गए पैसे। क्यों, क्या हुआ? दरअसल उन लोगों ने मुझे लाइट्स और साउंड संभालने के लिए रखा था। अरे मगर वहां संभालने के लिए कुछ है ही नहीं। लाइट्स अपने आप जल जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं, वहां सब कुछ अपने आप होता है। अरे वहां ना तो बिजली है और ना ही। एक मिनट, एक सेकंड जीतू, तुम वहां लाइट और साउंड संभालते थे? हाँ। इसका मतलब तुम वहां वो मम्मी नहीं थे? नहीं, नहीं तो? तो फिर वो मम्मी था कौन? मिलिंद, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हें पता है वहां क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले ये समझते हैं कि तुम मर चुके हो। मिलिंद, मैं तुमसे बात कर रही हूं, यहां देखो। मिलिंद, मैं, अरे तुम्हारा शरीर तो जल रहा है, लगता है तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, अब ये पार्टी वाटी बहुत हो चुकी, सीधे घर जा और डॉक्टर को दिखा।
अब मुझे कोई डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता, कभी नहीं। देखो तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे घर वाले समझते हैं कि तुम पानी में डूबकर मर गए हो। जानती हो पानी में डूबते हुए कैसा लगता है? फेफड़ों में पानी घुसने लगता है, उनमें पानी भर जाता है। आदमी सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन आता है सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। फिर उठता है दर्द, तड़प, और फिर जा जाता है गहरा काला अंधेरा। देखो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो अभी, मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ, चलो। फिर लगती है आग, शरीर जलने लगता है, पहले मांस चलता है, फिर हड्डियां गलने लगती हैं, और फिर रह जाती है राख, और राख से निकलता हुआ धुआं। मिलन, ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे ऐसी बातों से बहुत डर लगता है। घबराओ मत रितु, घबराओ मत, मुझे देखो पानी में डूब चुका हूं, आग से जल चुका हूं। तुम्हारे पहले मैं ये सब कुछ भुगत चुका हूं, फिर भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आओ रितु, आओ हम दोनों मिलके डांस करते हैं, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी डांस। रितु आओ। नहीं आओ। नहीं 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 नहीं। यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं, एक मेंबर्स जो मर चुके हैं और दूसरे जो मरने वाले हैं। डरो मत रितु, आज रात मेंबर बनने की तुम्हारी बारी है। मुझे छोड़, तुम जीतू हो ना। नीना ने मुझे कहा था तुम यह काम करते हो, है ना? बहुत मजाक हो चुका, बहुत हो चुका, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे। ओपनिंग द बैंडेज। कहाँ है डिस्को? वो वहाँ है डिस्को। Come on. ये कैसे हो सकता है? डैड, कल रात यहाँ एक दरवाजा था डैड। दरवाजा? हाँ डैड, there was a door here. तो अब कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम, यहाँ एक स्केलेटन हुआ करता था, यहाँ एक आदमी था डैड, अजीब सा आदमी, उसके गले में ना एक रस्सी थी डैड, जैसे उसे किसी ने फांसी दी। तो फिर कहाँ है डिस्को? कल रात मम्मी ने पहनी थी ये पट्टियां। हाँ, पट्टियां तो है लेकिन वो मम्मी कहाँ गया? ए सुनो,
तुम दोनों ने कोई नशा उशा तो नहीं कर रखा ना? डैड मैं सच कह रही हूँ, डैड कल रात एक डिस्को था ना। तो अब कहाँ गया वो डिस्को? अगर इसी तरह का कोई भी डिस्को यहाँ खुलता तो उसकी जानकारी हमें जरूर रहती, और हमारे इन्फॉर्मेशन में ऐसा कोई भी डिस्को नहीं है। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं डैड? सर सर सर, करुण और अनीता है ना, वो परसों यहाँ आए थे। सर उसके बाद ना वो हॉस्टल में आए हैं और ना ही उन्होंने कभी कॉलेज अटेंड किया है। लारा भी गायब हो गई, रितु भी आ जा आई है, तो हमें दोनों को बचाना होगा प्लीज। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए, अब जब हम लोग यहाँ तक आ ही गए तो थोड़ी और छानबीन कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ राम सिंह तुम उधर देखो, नरेश तुम उधर जाओ, शंकर उधर, और आप आइए मेरे साथ ऊपर। चलिए आइए। कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं जीतू? ना देखो तुम फिक्र मत करो, मैं देख के आता हूँ। तुम ही रहना, मैं देख के आता हूँ। तो यही था पंडित का क्या? दानी कोई डिस्को हो तब ना, और रात भर में गायब हो जाए, ऐसा कोई डिस्को नहीं है। बिल्कुल सही। नीना कहाँ है तुम्हारा वो नाइटमेयर डिस्को? यार शायद मुझसे गलती हो गई। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? बचपने की भी हद होती है। यू नो वॉट यू हैव डन, यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर। आप जानती हैं कितना वक्त जाया किया आपने पुलिस का, और आप ही ने तो कंप्लेंट फाइल की थी पुलिस में। आप आइए जरा मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलिए जीतू तुम इसे लेकर घर आओ, मैं वहां इससे बात करता हूं। तुमने ऐसा क्यों कहा नीना? तुम तो जानती हो ना यहां पर क्या क्या था, बोलो। बोलती क्यों नहीं हो? मैं जानती हूं जीतू यहां क्या था, और जो था वो अब भी यही है। वो देखो नाइटमेयर डिस्को। हम सब यहाँ के मेंबर जीतू, हम सब यहाँ के मेंबर हैं, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना आज रात पूरी पेमेंट कर दूंगा, ये लो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।